शादी कर ले तेरी पत्नी दे। ओहो शादी करवाना चाहती तो मैं इतनी जल्दी मेरे बस की नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। भाई पिछले व्लॉग में तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, 100 व्यूज हो चुके हैं एंड 20 से 25 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी सुबह के 8:30 हो चुके हैं, लेट उठा क्योंकि आज मेरे को सुबह जब जाना नहीं था तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठ गया। 8:30 बजे भी इतना लेट नहीं हुआ। अभी नीचे जाते हैं, देखते हैं खाने का क्या है। आज मैंने एक चीज़ सोच रखी है, संडे को मदर्स डे आ रहा है तो मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेने जाना है आज दोपहर को, देखते हैं। पास में वेगस मॉल है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से लेके आएंगे, मम्मी को बताएंगे, ठीक है। नीचे जाके देखते हैं पड़ी है मम्मी, देखते हैं खाने के लिए क्या बनाया है। कौन है और क्या हुआ तेरे को? पता नहीं है, वैसे वैसे मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे प्यारे से पांडे की तबीयत खराब है। दवाई ले लेना मैं। अभी काम कर रही हूँ मम्मी, कपड़ा तो साइड में रख दिया कर, पड़ी हुई है तो मैं तो करवा लियो, कौन मना कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ खाने में क्या बनाया, पराठे बनाए हैं ऐसा क्या, चलो देख लेते। देखो भाई ये सुबह का खाना बना रखा मेरे लिए, मेरे वो नहीं तो कैंटीन में खाना होता है वैसा, पराठे और चाय। भाई बहुत दिन हो गए, डेली ब्रेड लेता हूँ मैं, ब्रेड तो नहीं ले रहा आज, मैं बहुत भूख लग रही थी तो पराठे के लिए बोल देता हूँ, पराठे और चाय। कैसा लगा मेरे को थोड़ा कैदियों वाला खाना देखे, कैंटीन में जो मिलता है, है? शादी करवाना चाहती तो मैं इतनी जल्दी, मेरे बस की नहीं है। तेरे बस की नहीं तो बच्चे की ऐसे ऐसे करवा देगी है, क्या बात है मम्मी, ये क्या बात है, मतलब तो मतलब बच्चे को मरवा देगी अपने लिए क्या यार मम्मी, तो यार बहुत तेज है, गलत बात है। कोई नहीं मम्मी देखते हैं, तो ऐसे मत बोला कर यार। तो ठीक तो अभी पीटता है तेरे को, और करना क्या है ये तो बता मेरे को। तो बैठने के क्या क्या रोबोट है क्या तेरे को, ठप होकर बैठना है कोई बात हुई? तू वैसे भी इतनी एक्टिव थी, कितनी सुंदर है, ब्लॉग में लोग पूछ रहे थे कौन है, बहन तो नहीं है मेरा, मेरी मम्मी है। हाँ 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 क्या कर रही है। चलो भाई मर्जी है भाई, अगले की कुछ भी बोलती रहती है तो इसकी बात को ध्यान मत देना। मेरा पांडा सा ये मैंने करी थी क्योंकि तू कुछ करने तो देती नहीं सुबह सुबह। भाई आवाज आती है, देखो मेरे पांडा की थोड़ी सी तबीयत खराब है बेचारा, देखो सुस्ती सी हो रही है कि बच्चा। तो खाना खा लो, अभी खाना खा लेता हूँ, ठीक है, फिर नहाते हैं, नहाने के बाद देखते हैं क्या करना है। तो खाना खा लेता हूँ भाई मैं पहले, तुम भी खा लो, सुबह है खा लो, ठीक। तो फिर क्या कहती तू, गंजा हो जा। क्यों भाई गंजा इसलिए हो जा कि मैं तेरे मालिश करूंगी। भाई कितना धोखा देती भाई, बोलते 14 दिन मालिश करूंगी, 8 दिन मालिश करके 9वें दिन बोलते मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं नहीं कर रही भाई, तो मेरे बाल उड़वा देती है। तू रहने दे भाई, तू बहुत बड़ी धोखेबाज है भाई, तू मूड खराब कर देती है। नहीं होना मेरे को, तू करती नहीं ढंग से ना भाई, ये स्कीम के लिए जाना ही नहीं जिसमें फेल ही फेल होना है। अबे रहन दे, तू नहीं करेगी, तू ऐसी है, तू गंजा हो जा, तेरे बाल अच्छे से आएंगे, अच्छा लगता है तू गंजा। अरे भाई क्या क्या, मेरे को कौन सा ड्वेन द रॉक जॉनसन बनना है फिर भी अच्छा लगता है। अच्छा बता कब हो रहा है? नहीं हो रहा, मैं जब कुछ भी जबरदस्ती। तो भाई नहा धो के हो गया हूँ सेट, अब दुकान पे जाऊंगा 10 बजे के आसपास, 10 तो बज ही गए, 10:30 के आसपास तक दुकान पे जाना है, कुछ खाने पीने के लिए ले जाऊंगा, फिर दोपहर को आऊंगा एंड दोपहर को जाएंगे वेगस मॉल सेक्टर 14, वहाँ से लेंगे मम्मी के लिए कपड़े। मम्मी का सुबह सुबह शक हो रहा था, कहती बेटा मेरे लिए ये लिए वो ले आइयो, पर मैंने बोला मम्मी कुछ लाई नहीं रही तेरे लिए, क्यों इतना ज़्यादा वो कर रहे है, पीछे पड़ गई थी मेरे तो, कह रही भाई लिया ये लिया ये लिया, मैं तेरे ना टेंशन मत ले, मैं अपने लिए फुल शर्ट लेके आ रहा हूँ, पर लेके तो उनके लिए आ रहे हैं, चलो पता चलेगा और क्या लाना है ताकि दिक्कत नहीं होगी लाने के लिए। बाल हो रखे हैं मेरे ऐसे, अभी बना हुआ वैसे, ये कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल मेरे पे, ठीक लग रहा है, इतना ज़्यादा बुरा तो नहीं है। अभी बाल वाल सेट करता हूँ, ठीक है, फिर कुछ खा पी के निकलते दुकान पर, करते दोपहर को। दुकान से फ्री होके फाइनली आ चुके हैं घर पे, अब जाएंगे मॉल अपने लिए टी शर्ट लेने के लिए। डाल दो भाई खाने में क्या है ये तो बता दो। दाल मखनी चावल, मेरे लिए स्पेशली बनवाया ना आपने। खाना क्यों नहीं भिजवाया दुकान पर, दुकान पर खाना क्यों नहीं भिजवाया? वो लेके नहीं गई बकरी, वो बकरी लेके नहीं गई, तो बकरी को मारा क्यों नहीं आपने? कहा था
था, पूछ ले तू। भूखा मार दिया अपने बच्चे को, जिम कैसे करेगा? ये देखो भाई, अब दे रही है दाल मखनी वगैरह। मम्मी आपने मतलब मेरे को मतलब लालच देने के लिए बनाई ना दाल मखनी? ऐसा कुछ नहीं है, है? सच बता? ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, चलो गाइस खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं। कर लिया है लंच और अब चलने की तैयारी। बाइक चाबी मेरे पास है, साथ में बहन जा रही है क्योंकि थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करवा लेंगे ना भाई, मजदूर भी तो रखने जरूरी है। और देखो भाई क्या पहन रखा है जिसने, देखना एक बारी दिखाता हूँ तुम्हें कैसी लग रही है। काले लो, काले कर्म, काले कपड़े, ये देख रहे हो दिमाग भी ऐसा ही इनका काला दिमाग। यहाँ पे मम्मी लग रही है चुगली करने के लिए, पता नहीं किसकी चुगली कर रही है बैठ के, इनका भी यही काम हो रहा है। चलो तैयार हो गए, अब निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं कैसे। वेगस में तो आ गया भाई, लेकिन आज मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इतनी भीड़ किस चीज़ की भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई आसपास में, समझ नहीं आ रहा। बाइक पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है, उस साइड की भी आपको दिखाऊंगा तो देखना है, दूसरी साइड की बाइक पार्किंग है ये भी ऑलमोस्ट फुल होने वाली है, समझ ही नहीं आ रहा क्या सीन है। चलो ऊपर जाके देखते हैं अब क्या लेने का। एक्सपर्ट को ला रहा हूँ मैं, ये एक्सपर्ट है ना, बताएगी मेरे को मम्मी के लिए क्या लेने का है। पता है एक चीज़ तो बता भाई, इधर देखना, ये बता मेरे को कि कहाँ चलने का, यूनिक्लो देखेंगे या पहले वो देखेंगे लाइफस्टाइल में? हैं, अबे जाना चाल से की लेगी ऐसे है इतने, यूनिक्लो पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ लास्ट टाइम अच्छा मिला था। ठीक है, लग रहा है ना तुम्हारा भाई सेक्सी आज भाई, कितने दिन बाद थोड़े भाई गर्मी हो रही है, शॉर्ट्स में घूम सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या करें यार। आज तो एक तो मौसम समझ नहीं आ रहा मेरे को, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी आंधी आ रही है, भाई मौसम ही समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे यहाँ पे भी हो रहा है तो भाई कमेंट करके बताना कि तुम्हारे यहाँ कैसा मौसम चल रहा है, यहाँ तो भाई हालत ही ख़राब है, समझ ही नहीं आता मेरे को तो। कोई मोटी पार्टी हो भाई ले लो, आज ऑडी वगैरह भी आ रखी है, बुकिंग वगैरह करवा, आई थिंक नई वाली ऑडी A4 है, सेक्सी लग रही है वैसे देखने में भाई। अब जा रहे हैं लाइफस्टाइल, क्योंकि भाई यूनिक्लो में तो कुछ मिला नहीं जो मम्मी के टाइप का, और था अभी तो बजट के बहुत बाहर था, तो बजट भी था, हम इतना बहान लेके आए हैं 5 रुपये का, देखते हैं 5 रुपये में क्या मिलेगा। अब लेडीज सेक्शन में आ रहे हैं नीचे, क्या मिलेगा यार, जो मिलेगा ले लेंगे 5 रुपये के अंदर में। जो चीज़ लेनी थी एक चीज़ तो फटाफट ले ली, ये नहीं बताऊँगा क्या लिया है, बट बहुत ही अच्छा सेटल है और कम्फर्टेबल है। वैन बिलिंग काउंटर पर गई है, ठीक है जब वो आएगी फिर चलते हैं दूसरी जगह, घर पर दिखाएंगे क्या है। शॉपिंग हो गई पूरी, क्या लिया, कैसा लिया? मम्मी को अभी नहीं दिखाएंगे, मम्मी को दिखाएंगे संडे को, ये मैं अलमारी में जाकर छुपा दूंगा जाते ही, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे मैं बता क्यों रहा हूँ, ब्लॉग देख लेगी तो बता दे, कहीं और छुपाऊंगा, अलमारी में नहीं छुपाऊंगा। ठीक है, अब सोच रहे हैं मैकडी वगैरह में खाएंगे, फिर वहाँ से चलते घर। मैकडी का प्लान हुआ कैंसिल भीड़ के कारण, पता नहीं आज इतनी भीड़ क्यों है और इतनी धूप क्यों है। दिल्ली एक्सपेक्टेड है धूप, बट भाई मार दिया भाई धूप ने तो कतई। भाई वेगस से तो आ चुके हैं, नीचे है तो थोड़ा जोर से नहीं बोलूँगा, उनके लिए गिफ्ट लिया है मेरे पास है, फिर इसे कहीं और छुपा के रखेंगे जहाँ मम्मी नहीं देखती ज़्यादातर। ठीक है, तो अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या लाया हूँ। ठीक है भाई, मम्मी के लिए एक तो एक कंफर्टेबल शर्ट लाया भाई, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी के लिए कापा की एक और शर्ट लाए और कापा का ही ट्राउज़र है ये। ठीक है, मम्मी को ये चीज़ अच्छी होती है क्योंकि गर्मी में कंफर्ट देखती है मम्मी, मम्मी नहीं पहनती सूट वगैरह, मम्मी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा है क्या, मम्मी को कंफर्टेबल फील नहीं होता भाई, अब नहीं अगले को कंफर्ट है तो फिर क्या करेगी। तो ये 3 चीज़ें लाए, ये मैचिंग होगी इनका एक, और एक एक्स्ट्रा ले ली, ज़्यादा खर्चा कर दिया 5 रुपये से, 5 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए था, चलो कर दिया है मम्मी। यार मम्मी के अगर 5 रुपये ज़्यादा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। ठीक है, अब इन्हें छुपा के रख देते हैं, दुकान से आ चुका हूँ 6:30 बजे शाम के, एंड आज खाने के लिए घर वालों ने बना रखी है इडली। इडली खाने को मिली बहुत दिन हो गए यार, मज़ा आता है। तुम बताओ इडली किसके साथ खाते हो, सांभर के साथ, सॉस के साथ, पर सॉस के साथ खा लेता हूँ क्योंकि टेस्टी लगता है पता नहीं क्यों। तो ये खाते हैं फिर प्रोटीन शेक लूँगा थोड़ी देर में।
तो भाई इडली खा लिया मैंने एंड अभी प्रोटीन शेक ले लूँगा थोड़ी देर में। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। एंड ख़त्म करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि आई थिंक जब ये वीडियो आएगी तो आई थिंक उससे नेक्स्ट डे है मदर्स डे, तो सारी मदर्स को उम्मीद है उससे हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर लिंक होगा एंड पिछली वीडियो का भी लिंक होगा, अगर चेक करना चाहो तो यहाँ पे कहीं पे है, वहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पहले वाला व्लॉग जो मैंने डाला था। मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मदर्स डे व्लॉग के साथ। बाय बाय। शॉपिंग तो डन हो गई। कैसा 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 लिया, कैसा लिया ये बता। मुझे बोलना नहीं आ रहा। तो बता तो।